हेलो गाइस यार, कैसे हो आप सभी। मैं आपका दूसरी चैनल का होस्ट अर्पित फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ अर्पे दिस में। एंड आज का वीडियो भाई बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक तरीके से आप बोल सकते हो इस वीडियो को कॉम्बो है भाई ये। एंड इस वीडियो को आप सभी लोगों को पूरा वाच करना है। अगर आप इस वीडियो को पूरा वाच कर लेते हो तो भाई आप धारा सिंह बन जाओगे माइनक्राफ्ट मल्टीप्लेयर के, और आप खेल पाओगे माइनक्राफ्ट मल्टीप्लेयर बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी ग्लिच के। तो मैं सारे सवालों का जवाब देने वाला हूँ, साथ में आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप खेल सकते हो। मेनली जो तीन वेज होते हैं, और इसमें जो भी मैं तरीके बताने वाला हूँ वो 100% वर्क करेंगे ही सही, कोई ऐसी बात है ही नहीं कि वर्क नहीं करेंगे। तो बस आपको वीडियो जो है एंड तक देखना है, बस एक बात आप लोगों को करनी है, ठीक है। वीडियो बीच में छोड़ के भागोगे तो भाई फिर भागते रहो आप लोग। तो चलिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि कौन सी तीन चीज़ें बताने वाला हूँ। और एक बात और, अगर कोई शक्तिमान भाई वीडियो पे आ गया है, मतलब कुछ ज़्यादा ही वो शक्ति दिखाना चाहता है, उसको कुछ ज़्यादा ही तेजी है, तो मैंने यार टाइम लैप्स दिए हुए हैं वीडियो में। देन अगर ज़्यादा ही आपको जल्दी है तो उन टाइम लैप्स पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो अपने काम की चीज़। बट मैं तो बोलूँगा पूरा वीडियो देखो, वरना आपके ग्लिच होगा 100%। तो चलिए अब अपन बात करते हैं तीन बातों की जो मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहला मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि माइनक्राफ्ट लोकल मल्टीप्लेयर कैसे कहते हैं। अपने जो आसपास के पड़ोस के लोंडे लपाड़े होते हैं उनके साथ आप लोकल मल्टीप्लेयर खेल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम पुराने वर्जन में तो 5 करता था, अभी मेरे को पता नहीं कितने कर सकते, कितने खेल सकते हैं। पहले वाले में तो 5 करते थे, 5 लोग खेल सकते थे एक साथ। और दूसरा हम बात करें कि किस तरीके से आप ऑनलाइन खेल सकते हो सर्वर्स में, जो क्रेक सर्वर्स होते हैं। एंड इस वाले वीडियो में जो है मैं सिर्फ आपको जो आउटसाइड माइनक्राफ्ट, यानी कि हमने प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया, समझ जाया करो, 900 IQ बताना नहीं पड़ रहा मेरे को बार बार, ठीक है। तो इसी वाले माइनक्राफ्ट के बारे में अपन बात करेंगे। और थर्ड वाले में मैं बताऊंगा कि अगर आपके दोस्त बहुत दूर रहते हैं और आप खेलना चाहते हो, किसी के साथ भी खेलना चाहते हो आप बहुत दूर, कैसे खेल सकते हो उनके साथ। वो भी ऑनलाइन होगा, बट उसमें आप अपने पसंद के लोगों के साथ खेल सकते हो। एंड इस सेकंड वाले में जो है यही दिक्कत है कि आपको सिर्फ जो सर्वर में आएंगे उनके साथ आप खेल सकते हो, आपके जरूरी नहीं कि दोस्त वगैरह वहाँ आई जाए। तो तीनों के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले तो मैं एक क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ, और कुछ क्वेश्चन लेते रहेंगे हम बीच बीच में, बस इस वीडियो को जो इसीलिए आपको एंड तक देखना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन कनेक्टेड होंगे आपस में। ओ भाई माइक के लग गई। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं, भाई साइन इन करना क्यों जरूरी है माइनक्राफ्ट में, क्या बिना साइन इन के मल्टीप्लेयर नहीं खेला जा सकता। तो एक बहुत बड़ा मिथ है, सबसे पहली बात बता दूँ। बहुत पुराने वर्जन्स होते थे माइनक्राफ्ट के, मेरे खुद के पास वर्जन था, उसमें करना क्या होता था, सिर्फ आपको अपना एक नाम पिक करना होता था। आप कैरेक्टर के ऊपर जाएंगे, नेम टाइप करेंगे आप, एंड डैट्स इट। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, अपने फ़ोन में हॉटस्पॉट चलाना होता था, एंड जो आपके दोस्त होते थे वो वाईफाई से उसी हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लेते थे, यानी सेम वाईफाई पे एक तरीके से आप हो जाते थे सारे लोग। तो कुछ नहीं, फिर फ्रेंड्स जो टैब आता है सेकंड नंबर पे क्रेक वाले में, आपको याद होगा वर्ल्ड के बगल में फ्रेंड्स का टैब आता है, तो वहाँ पे नाम शो हो जाता था जो आपने रखा हुआ है, बस उस पर क्लिक करो, ज्वाइन वर्ल्ड पे क्लिक करो, एंड डैट्स इट। बिना साइन इन के आप खेल सकते थे मल्टीप्लेयर। भाई बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने माइनक्राफ्ट घिसा नहीं है भाई, उस पर रिसर्च की नहीं है लोगों ने, ठीक है। तो खेल सकते थे, बट अब मैं तो खुद भूल गया भाई, उस टाइम पे मेरे को इतना नॉलेज थी नहीं, मैं कोई यूट्यूबर था नहीं, बहुत टाइम पहले की बात है ये, तब से क्रेक आना चालू हो गए थे, तो भाई मैं वर्जन याद करना ही भूल गया। फिर बाद में मैंने बहुत कोशिश की कि ढूंढ टू, बट मिले ही नहीं, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन डन, इसका आंसर मैंने कर दिया, खेल सकते हो, लेकिन अब वो वर्जन आप देख लेना। बट क्यों खेलना, हमें चाहिए बिल्कुल लेटेस्ट, और जो लेटेस्ट वर्जन होते हैं उनमें सब में भी साइन इन सपोर्ट करता है, ये मैं आप सब लोगों को बता दूँ। दूसरा क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि भाई हमने साइन इन पे क्लिक किया और वापस रिडायरेक्ट होके या तो हमारा गेम क्रैश हो गया, या ब्लैक स्क्रीन आ गई, या कुछ नहीं हुआ, या साइन इन नहीं हो रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा लोग पूछते हैं। तो भाई कितनी बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, मैंने इस पर पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन में मैं लिंक डाल रहा हूँ, सारे वीडियोस का मैं लिंक आई बटन पर डाल दूंगा। जैसा कि मैंने बताया कॉम्बो वीडियो है, सारे वीडियो को आपस में कनेक्ट कर देगा ये, जो भी मैंने बनाए हुए हैं तो सारे मैंने बनाए हुए हैं। बाकी अगर आप फेक कंटेंट देख के पक गए हो, देन डेफिनेटली आपको ये वाला वीडियो देखना चाहिए, जिसका लिंक मैंने आप लोगों को आई बटन में दे दिया है। तो मैं छोटे से मैं बता देता हूँ आपको कि इसका यही मतलब है कि जो आपके पास वर्जन है ना सर माइनक्राफ्ट का, जो आपने बाहर से डाउनलोड किया है, वो साइन इन सपोर्टेड नहीं है। जी हाँ, हर कोई माइनक्राफ्ट वर्जन साइन इन को सपोर्ट नहीं करता है। आप देखिएगा, आपका वर्जन ये होगा कोई 1.13
या 1.14 समथिंग इस तरीके से ही होगा। जो लेटेस्ट 1.16 के, अब तो 1.17 भी आ गया है अभी, जो बीटा वर्जन होते हैं, बीटा के नाम से क्रेक आते हैं सारे, तो ये सारे जो होते हैं ये साइन इन को सपोर्ट करते हैं। तो यार आप देख लो, आपको साइन इन सपोर्टेड वर्जन चाहिए, छोटी सी बात ये है। बाकी डिटेल में देखना हो तो मैंने आपको लिंक दे दिया है आई बटन पे, वहाँ से जाके उस वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझने में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, अब अपन चलते हैं माइनक्राफ्ट मल्टीप्लेयर की तरफ। पर उससे पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं कि आज ही जो है मेंबर्स के लिए 2 नए एडोन डाले मैंने डिस्कॉर्ड पे, तो मेंबर्स चेकआउट कर सकते हैं। जिसने मेंबरशिप नहीं ली है वो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके ले सकता है। और सब्सक्राइब तो कर ही लो भाई, मतलब फेक कंटेंट वालों को भाई आप सपोर्ट करते हो, हम यहाँ पे आपके लिए असली कंटेंट बना रहे हैं भाई, सपोर्ट ही नहीं करते। ठीक है भाई, आप 50,000 सब्सक्राइबर नहीं करवा रहे यार, गजब हो यार आप। 100K का तो मैंने एम ही रखा है भाई कि बस पर्याप्त है अपने लिए, 100K हो गए, दैट्स इट, पर्याप्त है भाई, इतना ही, इतनी ही उम्मीद है हमको। ठीक है, तो 50K होने वाले भाई, जल्दी से जल्दी यार सब्सक्राइब करो, एंड इस वीडियो पे नए हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो भाई, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सारी चीज़ें आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। चलिए अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे अपन। तो सबसे पहली बात, लोकल मल्टीप्लेयर कैसे खेलें माइनक्राफ्ट में। पहला जो मैंने आपको बताया था, 3 वेज बताने वाला हूँ। फर्स्ट वाला, लोकल मल्टीप्लेयर कैसे खेलना है, तो इसका पूरा डिटेल्ड वीडियो, एकदम डिटेल्ड वीडियो विद स्टेप्स के साथ मैंने बनाया हुआ है, लिंक आई बटन में है, जाके देख लेना। अभी मत देखो, अब जब ये पूरा वीडियो कंप्लीट कर लो, क्योंकि मैं जो इसमें फ्रेंड की भी बताने वाला हूँ कि आपके फ्रेंड्स के साथ कैसे खेल सकते हो आप। तो सबसे पहले तो ये हो गई हमारी बात कंप्लीट कि कैसे खेलना है भाई लोकल मल्टीप्लेयर, कैसे खेलोगे, पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है मैंने आई बटन पे, आप लोगों को लिंक दे दिया है, तो उसको जाके देखने का पूरा और आपको समझने में आ जाएगा कि लोकल मल्टीप्लेयर कैसे खेल सकते हैं। लोकल मल्टीप्लेयर की थोड़ी सी अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं, तो सेम वाईफाई पे, यानी कि जहां तक आपका वाईफाई जाएगा, वाईफाई की देख लो क्या रेंज होती है, एक घर से दूसरे घर या मोहल्ले में आप बाहर बैठ के खेल सकते हो अपने दोस्तों के साथ, जैसा कि मैंने बताया। तो मोहल्ले में आसपास भाई बहनों के साथ अगर आपको खेलना हो, देन लोकल मल्टीप्लेयर बेस्ट है, इसको आप खेल सकते हो। उसमें इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे लोगों को डाउट होता है इंटरनेट चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा, बिना इंटरनेट के आप खेल सकते हो, डायरेक्ट कनेक्ट करके हो जाता है इजी से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं हम सेकंड गाइस कि ऑनलाइन मल्टीप्लेयर कैसे खेलें। सेम वीडियो बनाया हुआ है, देखते तुम, मैंने बोला ना भाई तुम सब्सक्राइब ही नहीं करते, तो बस भाई वही होगी ना बात। तो जो है इसका बटन में, मतलब आई बटन पर लिंक दे दूंगा। अब ये बटन है कि लिंक है, घंटा है, जो भी कुछ भी है, ये जाके तुम लोग देख लो, यहाँ पे तुमको कहीं पे लिंक मिल जाएगा, तो जाके देख लो। ऑनलाइन वेरी सिंपल सर, वाईफाई ऑन कीजिए, साइन इन कीजिए। साइन इन कैसे करते हैं ये बात तो मैं बताना भूल ही गया, तो साइन इन वाला वीडियो मैंने डाला हुआ है, उसका भी लिंक यहीं पे दे दूंगा मैं। सबके लिंक यहीं आएंगे भाई, सिर के ऊपर, यहाँ पे, यहाँ कहीं पे आ रहे होंगे, पता नहीं कहाँ पे देगा यूट्यूब। ठीक है, तो जाके देख लो, साइन इन का सबसे पहले वीडियो देखो, उस सबसे पहली आपका जो आपको करना ही है नेसेसरी चीज़ है, वो है साइन इन। तो साइन इन कर लो सर माइनक्राफ्ट में, वेरी सिंपल, फ्री में हो जाएगा, कोई आपके पैसे लग नहीं रहे। वीडियो मैंने बनाया हुआ है एक्सबॉक्स से, आप कैसे कर सकते हो। एक्सबॉक्स का समझने में नहीं आता, आप ज़्यादा धारा सिंह बन रहे हैं तो microsoft.live से बहुत सारे लोग बता रहे हैं, वैसे कर लो, आपकी मर्जी है सर। मैंने तो एक्सबॉक्स ऐप से बताया, बहुत सिंपल है, डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, कर लो, वीडियो जाके देख लेना। अब बात करें थर्ड, ऑनलाइन का भी आप देख ही लोगे वीडियो, वाईफाई से ऑन करो। बट ऑनलाइन की एक दिक्कत मैं और बता देता हूँ आप लोगों को कि जो क्रेक सर्वर्स होते हैं वो आधे से ज़्यादा डेड हो चुके होते हैं, यानी कि ज़्यादातर टाइम अगर आप कनेक्ट करोगे तो यही लिखाएगा आपके भाई दिस सर्वर डज नॉट एग्जिस्ट, या कनेक्ट नहीं हो रहा, या कुछ और दिक्कत है, तो यही यार दिक्कत है, क्रेक सर्वर्स होते हैं क्योंकि। अब बात करते हैं थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट कि हमको अपने दोस्तों के साथ खेलना है, वो बहुत दूर रहते हैं, हम लोकल मल्टीप्लेयर नहीं खेल सकते हैं, तो सर जी कैसे खेलेंगे, अर्पित भैया यार कैसे खेलेंगे बता दो। तो देखो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, बस आपको क्या करना है, मैंने एक वीडियो बनाया था अभी लेटेस्ट थोड़े दिन पहले ही, उसमें मैंने आप सभी लोगों को सिखाया था कि खुद का आप माइनक्राफ्ट सर्वर कैसे बना सकते हो। तो आपको जाना है, वो वीडियो जाके आप देखिए पूरा का पूरा, खुद का माइनक्राफ्ट सर्वर बनाइए। तो सर्वर भी जो है आपको कोई ये बात नहीं बताएगा, जैसा कि यार मैंने बोला ना, रगड़ा ही नहीं है भाई लोगों ने गेमों को, कुछ भी चल रहा है यहाँ पर। सर्वर जो है आप कुछ फिक्स वर्जन्स के लिए ही बना सकते हो, जो हर कोई वर्जन होता है, भले वो साइन इन सपोर्टेड हो बट सर्वर उसके लिए नहीं बनता है। एंड सर्वर भी जो है सेम वर्जन वाले ही आपका सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं, उनका सर्वर मतलब वर्जन सेम होना चाहिए माइनक्राफ्ट का आप लोगों का।
तो देन आप लोग क्या करेंगे, जाओ उस वीडियो को देखो, लिंक मैं यहाँ पर डाल दूंगा। और आप लोगों को कुछ नहीं करना है उसमें, जो भी वर्ज़न दिए हो वो सब, मतलब वो वाले वर्ज़न तो अपने दोस्तों से भी वही वाले वर्ज़न डाउनलोड करवा लेना, आप खुद भी वो वाला वर्ज़न डाउनलोड कर लेना। उसके बाद जैसा कि मैंने वीडियो में बताया हुआ, आपको खुद का सर्वर बनाना है। सर्वर का आप एड्रेस, नेम एंड पोर्ट, तीन चीज़ें होती है, या आप अपने दोस्त को दे दीजिए, आपका दोस्त अपना माइनक्राफ्ट चालू करेगा, साइन इन करेगा, उसके बाद जाएगा वो जो ऑनलाइन वाला सेक्शन आता है वहाँ पे एड सर्वर वाले बटन पे वो क्लिक कर देगा। उसके बाद वो पोर्ट डालेगा, नेम डालेगा एंड आईपी एड्रेस डालेगा सर्वर का, जो सर्वर का एड्रेस होगा, एंड कनेक्ट पे क्लिक कर देगा। दैट्स इट। इस तरीके से चाहे आपका दोस्त कितनी दूर क्यों नहीं रहता हो, अमेरिका में ही रहता हो, वो आपके साथ माइनक्राफ्ट खेल सकता है इन क्रेक वाले वर्जन। बाकी अगर आपने परचेस कर लिया है तो देन कोई दिक्कत है ही नहीं। तो यार मैंने सारे डाउट क्लियर कर दिए, बाकी ग्लीचेस वगैरह बहुत है, कब तक बताऊंगा, एक घंटे तक। स्टेप्स मैंने इस वीडियो में इसलिए नहीं बताए क्योंकि मैंने पहले से वीडियो बनाया हुआ है पूरा डिटेल में, और इसमें बताता, इस वाले वीडियो में बताता तो 30 से 40 मिनट का वीडियो हो जाता, कोई मतलब नहीं है। जितना आसानी से मैं बता सकता था उतनी आसानी से मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो कैसा लगा गाइस ये वीडियो, और ग्लीचेस वगैरह के वीडियो भी अगर आपको उनका सॉल्यूशन जानना है कमेंट में लिख देना, वरना माइनक्राफ्ट प्लेलिस्ट जो मैंने बनाई हुई है वो देखो पूरी पूरी। YouTube पे सर्च मारो माइनक्राफ्ट प्लेलिस्ट अर्पित दिस लिख के सर्च मारोगे, पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी जो मैंने माइनक्राफ्ट की बनाई हुई है। उसमें बहुत सारे वीडियो है, सारे के सारे देखो, रियल कंटेंट देखो यार, क्या देख रहे हो तुम लोग। ठीक है, तो यही था आज की वीडियो में। ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर करने का, एंड अगर अर्पित दिस पे नए हो तो 50K करवाने हैं भाई के, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो भाई, 50K के यार जो तो करवाओ तुम लोग। ठीक है, एंड शेयर कर दो यार इस वीडियो को, ताकि जिनको भी दिक्कत है, कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि इस चीज़ का भाई वीडियो नहीं है यार यूट्यूब पे। एक तो पता नहीं क्या बना रहे हैं लोग, जो साइन इन का वो रिडायरेक्ट वाला ग्लिच था उसका भी सिर्फ मेरा वीडियो है यूट्यूब पे, और किसी ने वीडियो ही नहीं बनाया भाई कुछ भी। तो जाके यार वो वाले वीडियो सारे के सारे आप लोग देख सकते हो, 100% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देन बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहने का, खुश रहने का, देखते रहने का अर्पित दिस ऑन यूट्यूब।